नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त सियासी गलियारों में छाए हुए हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन सिद्धू को लेकर वार पलटवार जारी है। विपक्ष के निशाने पर नवजोत सिद्धू का होना लाजमी है, लेकिन जब अपनी ही पार्टी के लोग सिद्धू पर सवाल उठाएं तो आप क्या कहेंगे? तो चलिए आपको बताते हैं कि सिद्धू को लेकर पार्टी के अंदर किसने सवाल उठाया, और वो नाम है कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह आहूजा का। नतीजे घोषित होने से पहले ही कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह आहूजा ने पंजाब कांग्रेस के मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि पिछले 5 साल से वो जनता के बीच नहीं रहे, और जिस तरह से उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ सख्त भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से लोगों में उनको लेकर नाराजगी थी। ऐसे में चुनाव में उनकी जीत पर इन चीज़ों का असर देखने को मिलेगा। गुरजीत सिंह आहूजा का कहना है कि जिस तरह से सार्वजनिक मंच पर सिद्धू असम्मानित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बतौर राष्ट्रीय नेता पिछले 5 साल में सिद्धू ने बहुत कम समय लोगों को दिया। गुरजीत सिंह ने कई आरोप सिद्धू पर लगाए, लेकिन क्या ये आरोप सच हैं? इसका जवाब जनता को और गुरजीत सिंह आहूजा को भी 10 मार्च को मिल जाएगा, जब पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।